नमस्कार मेरे टूगू सब्सक्राइबर्स, आए हो आप सब दुख तकलीफों से एकदम बढ़िया जिंदगी जी होंगे। सोशल मीडिया के अंदर आप सबको पता होगा कि कुछ लोगों ने एक इंडस्ट्री को यानी कि साउथ इंडस्ट्री को भगवान का दर्जा दे के रखा है एंड उनके मुताबिक उस इंडस्ट्री से जो भी माल मटेरियल कचरा आता है वो सारा का सारा औसम होता है। जबकि रियलिटी ये है कि ये लोग इतने ज़्यादा ओवररेटेड हो चुके हैं कि बार बार सेम उसी टॉपिक पर उसी कॉन्टेंट पर उसी लुक्स के साथ इतनी पिक्चरें बनाए डाल रहे हैं। मतलब कि एक पिक्चर अगर हिट हो गई तो हर डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी ही पिक्चर बनानी है। एज एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, जब केजीएफ हिट हुई तो भाई साहब दाढ़ी वाला फैशन बढ़ गया एंड आजकल तुम साउथ इंडिया की जितने भी मूवीज में देखोगे जाके डार्क थीम, क्योंकि केजीएफ में थी तो उन्होंने दशहरा में पेल दिया, उसके बाद फिर पुष्पा मूवी में पेल दिया, फिर उसके बाद हम जो है वहां की सबसे बेहतरीन मूवी यानी कि कब्जा को कैसे भूल सकते हैं। अभी मार्टिन हाल ही में आ ही रही है जिसके अंदर सेम आपको डार्क टोन थीम मिल जाएगी। एंड यही नहीं, इनका जो लुक होता है इतना ज्यादा अलग लेवल पर इन लोग रखने की कोशिश करते हैं कि एक पिक्चर अगर हिट हो गई तो आपको लुक भी सेम का सेम वैसा ही दिया जाएगा। अब जरा सोच के देखो कि एसएस राजामौली सर की पिछले साल आई ट्रिपल आर मूवी जब हिट हो गई, जूनियर एनटीआर सर को जो है नॉर्थ में वो रिकॉग्निशन मिल ही जो कि वो डिजर्व करते हैं बिकॉज ऑफ कि ही इज द वेरी गुड एक्टर और काफी टैलेंटेड भी है। उन्होंने हिंदी में आवाज दी, लेकिन टैलेंटेड होने का मतलब या फिर अगर वो कोई बंदा गुड एक्टर है जिसका मतलब ये नहीं कि हम उन चीजों को भी छुपा दें, उन गलतियों को भी नजरअंदाज कर दे जो कि बंदा सेम टू सेम करता जा रहा है। ट्रिपल आर मूवी के अंदर आपको कोमरम भीम वाला कैरेक्टर तो याद ही होगा एंड आज उनकी एक नई मूवी की अनाउंसमेंट हुई है, उसका नया टाइटल आया है जिसका नाम है देवरा। टाइटल को सुन के मेरा पहला रिएक्शन था, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, कि कहीं ये देवर भाभी वाले देवरा की बात तो नहीं हो रही है, लेकिन बाद में याद आया कि नहीं, शायद से मूवी का नाम है एंड इसका मतलब मैं नहीं जानता हूं, तो तुम्हें पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। मूवी के अंदर एनटीआर सर को जिस तरह का लुक दिया गया है, अगर कोई भी बॉलीवुड की पिक्चर होती तो टू बी ऑनेस्ट अब तक हमारे ट्विटर के आदमी जो है एकदम पढ़े लिखे किताबें लेके चले आते ज्ञान फैलने के लिए, लेकिन यहाँ पर हर एक बंदा साइलेंट बैठा है बिकॉज ऑफ कि ये साउथ इंडिया की तरफ से पिक्चर बिलोंग करती है, कोकतला सिवा इसको डायरेक्शन दे रहा है, तो ये एक मास्टरपीस पहले से ही घोषित है। अब जरा सोच के देखो कि एनटीआर सर को जिस तरह से कोमरम भीम के कैरेक्टर में प्ले किया गया था या फिर जिस तरह से दिखाया गया था उनका फर्स्ट लुक, जब मैंने देवरा मूवी को देखा या फिर इसके पहले पोस्टर को देखा, सॉरी मूवी को नहीं देखा, तो अपना पहला रिएक्शन था कि ये कोमरम भीम खड़ा है जिसके पास पुष्पा की कुल्हाड़ी की जगह एक लंबे वाले मतलब हथियार है, लंबे से कुछ और मत समझना। एंड उसके बाद मुझे याद आया कि यार ये तो सेम चीज मैंने कहीं और देखी है, फिर याद आया कि साउथ इंडिया में ही दशहरा नाम की पिक्चर के अंदर भी ऐसा ही कुछ हमको लुक और कुल्हाड़ी या फिर किसी हथियार के साथ नानी साहब दिखाए गए थे लुंगी पहने हुए। एंड टू बी ऑनेस्ट इतनी तगड़ी वाली सिमिलैरिटीज देख के ये लगता है कि हमारे साउथ इंडिया के डायरेक्टर्स एक फॉर्मूला को पकड़ के चल लेते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे इस चीज से बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम जरूर है क्योंकि साउथ इंडियन सिनेमा से अब लोगों की जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस हैं और जिस तरह से ये लोग दिन पर दिन अपनी डाउनग्रेड करते जा रहे हैं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन साउथ इंडिया सिनेमा भी बहुत जल्दी ही वैनिश हो जाएगा। कुछ गिने चुने डायरेक्टर जरूर होंगे जिनको लेके हिंदी ऑडियंस के बीच में क्रेज होगा, लेकिन ये जो ओवररेटेड वाले लोग हैं ये सारे के सारे लोगों का पत्ता इस इंडस्ट्री से हिंदी सिनेमा की ऑडियंस से जरूर कट जाएगा। अब जरा तुम सोच के देखो कि पठान मूवी में एसआरजे सर ने बहुत लंबे बाल रखे एंड उन्होंने जिस तरह का लुक लिया 500 करोड़ पिक्चर कर ली। सिद्धार्थ आनंद एक स्टाइलिश एक्शन को दिखाते हैं, बहुत ही कलरफुल जो है लोकेशंस को दिखाते हैं और उनकी पिक्चर चल जाती है, चाहे बैंग बैंग हो जाए, पठान हो जाए या फिर वॉर हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी नए डायरेक्टर को आना चाहिए और एसआरजे सर की तरह रखने वाले लंबे बाल वाले एक एक्टर को ले लेना चाहिए कि भैया बाल तुम बढ़ा लो एंड सिद्धार्थ आनंद की तरह की सिनेमाटोग्राफी चुरा लो और पिक्चर बना दो, पिक्चर हिट हो जाएगी। ऐसा होता तो भाई साहब फिर हर एक मूवी पठान की तरह कलेक्शन क्यों ना करती। खैर ये मूवी रिलीज होने वाली है 2024 में ईद के मौके पर, मतलब कि अप्रैल के महीने में। एंड टू बी ऑनेस्ट आप सबको पता ही होगा कि अप्रैल के महीने में ही एक और मूवी की अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है जो कि बॉलीवुड की तरफ से उनकी वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवी होने वाली है, क्योंकि जो डायरेक्टर है मूवी का मुझे उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। मूवी का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, स्टारिंग अक्षय कुमार सर एंड टाइगर श्रॉफ सर। तो अब देखना यह रहेगा कि एक बहुत बड़े बजट की मूवी ऑलरेडी यहाँ पर लगी हुई है जिसको लेके क्रेज भी है ऑडियंस के बीच में। आजकल मूवीज जो है लार्जर देन लाइफ ऑडियंस देखना चाहती है, बड़े बड़े एक्टर्स हों, कोलैबोरेशन हो, और अली अब्बास जफरी का नाम ही काफी है ऑडियंस को थिएटर तक लाने के लिए, तो उस मूवी में बहुत तगड़े पोटेंशियल हैं। तो ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि इस मूवी का यानी देवरा का जो है हिंदी में क्या हाल होने वाला है। खैर तुमने इस फर्स्ट लुक पोस्टर को देखा और तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या था एज ए न्यूट्रल ऑडियंस ही बताना, वरना साउथ के चमचागिरों को तो हर चीज पसंद ही आती है। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं
हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर तुम सच को स्वीकार करने की क्षमता रखते हो तो। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद। मेरे यहाँ कुकर में सीटी आ चुकी है, खाना बन चुका है, तो खाने की तैयारी करते हैं।